मेरे को लिफ्ट मिल गई है और ये जो भाई अभी भागा ये LIU का अधिकारी है और बहुत क्लोज मित्र है मेरा, मतलब गांव का दोस्त है। तो फिर भाई तो निकल गया तेजी में और एक और गांव का दोस्त मिल गया, लेकिन वो कैमरे पे नहीं आना चाहता वरना लोगों को पता चल जाएगा कि वो मेरे को लिफ्ट दे रहे हैं। तो करण प्रयाग तक हमें लिफ्ट मिली है। करण प्रयाग इज 18 किलोमीटर फ्रॉम माय विलेज एट द पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड वाज 17 किलोमीटर फ्रॉम देयर। और करण प्रयाग की खास बात ये है कि जब मैं गाँव सेटल होने पे 17 साल की उम्र में आया था, मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर करण प्रयाग से किया था। उसके बाद मैं मूव अवे हो गया था मुझे देहरादून, और फिर सीधे तुम क्या देहरादून। पर यह है कि वो एक साल मेरी जिंदगी का ऐसा साल था कि मैंने अपनी दादी से तो केदार जा रहे होंगे या बद्री जा रहे होंगे। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं गौचर टाउन में। हमने डाट पुल क्रॉस किया। डाट पुल अंग्रेजों का बनाया पुराना डाट पुल था जो उस तरफ से था, लेकिन ये है नया बनाया हुआ मोदी जी का पुल, मोदी डाट पुल। चलो कनेक्ट करता हूँ वीडियो। तो गौचर करीब 900 मीटर पर है और 900 मीटर की हाइट अटेन करने के लिए ठीक गौचर शहर से पहले 2-3 बैंड्स आते हैं। तो अभी हम उन बैंड्स को चढ़ रहे हैं। पहले यहाँ पर SBI होता था, अब यहाँ पे SBI नहीं है, SBI के ऊपर शिफ्ट हो गया है गौचर मेन बाजार में। गौचर एकदम प्लेन एरिया है जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये लास्ट बैंड आएगा, ये लास्ट बैंड पुलिस स्टेशन का बैंड है, लेकिन यहाँ चेकिंग वगैरह पीछे ही हो जाती है ITBP के बॉर्डर पर। और इस वाली पुलिस चौकी पे कोई खास घबराने की जरूरत नहीं आती, आराम से बिना हेलमेट के भी आप बाइक निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ अलग सीन है उत्तराखंड में, यहाँ लोग परेशान नहीं करते, ना ही पुलिस वाले आपको परेशान करते हैं। सब अच्छे लोग हैं, सब अपना अपना काम धंधा कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, खाली लड़ाई लड़ाई करते हैं। तो ये देखो गौचर टाउन शुरू हो गया। खादी ग्राम इंडिया का पहला वो आया, उसके बाद एक गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल है। इस तरफ जनता टी स्टॉल है, यहाँ पे कुछ डिजिटल सेवा सेंटर, ये राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज, और ये है गौचर का बाजार। तो ये कोई पुराना हॉल होता था जहाँ पिक्चरें लगती थी, अब यहाँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। भाई ये हॉर्न बजाने की बहुत बीमारी है यार लोगों को, माँ कसम कान के पर्दे फाड़ देते हैं। तो ये देखो बाजार कैसा है, टाउन है, दोनों तरफ है, इस तरफ भी बाजार है, इस तरफ भी बाजार है। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो बाजार है उसमें पीछे की तरफ मेला मैदान है जहाँ पर मेला लगता है, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। और इस तरफ गाँव है पनाई गाँव, ये देखिए शादी की गाड़ी, और इधर ठेका है इधर गली में कहीं। और ये है आपका GMBN गौचर का, दिस इज GMBN फॉर गौचर। छोटा शहर है, अमेजिंग शहर है, और ये BRO के हेडक्वार्टर है यहाँ पर लास्ट में। उसके बाद गौचर टाउन फर्दर भी बटा हुआ है और ये एक मोड़ा है। ये तो बाजार था, उसके बाद ये छोटा बाजार है। छोटा बाजार क्या है, हाईवे है ये, और इस पे बसा हुआ है ये आपका, इस तरफ पनाई हो गया और इस तरफ आपका हो गया है रेलवे का काम चल रहा है। नीचे रेलवे की सारी वो है, रेलवे की कंपनीज है बड़ी बड़ी, मेल और RBNL वालों का काम हो रहा है, मतलब टेक्निकली वो देखो टनल बन रही है उस पार। तो ये तो रेलवे रोड हो गई जो नीचे जा रही है। और ये ऊपर वाला इलाका हुआ, इसका नाम है क्या नाम है इस जगह का यार, जगह को पता नहीं क्या कहते हैं, बंदरखंड कहते हैं, चलो बंदरखंड बोलते हैं, बंदरखंड है। और ये नीचे रेलवे रोड जा रही है नीचे के लिए, जहाँ टनल का काम हो रहा है और रेलवे का काम हो रहा है। तो ऑलमोस्ट अब गौचर देखिए खत्म होने लगा है, गौचर खत्म होने लगा है। ये वो सांप पहाड़ियाँ, सामने रानों की पहाड़ियाँ और इधर उधर की पहाड़ियाँ, जो सांप पहाड़ियाँ बनाती हैं, जो सांप पहाड़ियों की कहानी सुनाई थी मैंने आपको।
जिन्होंने नहीं सुनी हो पीछे वाला व्लॉग देख ले। तो ये खत्म हो गया गौचर लास्ट में बीआरओ का मैस है और बहुत लंबी वीडियो बन गई है। तो भाई जरा यहाँ पे रुक गया है टोजो खाने के लिए, टोजो खाता है भाई टोजो। तो भाई बताऊंगा नहीं मैं कौन भाई है। तो ये देखो रोड आगे जा रहा है बद्रीनाथ इज 131 और ऊपर जा रहा है ये देवल सिदोली और इधर ही लेफ्ट को जा रहा है करण प्रयाग बद्रीनाथ की तरफ। तो उसने बोर्ड इधर उधर कर दिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो रोड ऊपर जा रहा है ये जा रहा है धनपुर, धनपुर की पट्टी। ये भी माँ हरियाली देवी का गढ़ है, इधर भी हरियाली देवी का टेम्पल है और यहाँ पर एक अंग्रेजों की बनाए हुए पुराने कॉटेजेस हैं ऊपर और चांदपुर गढ़ी का किला भी है। तिराहे पे पहुंच गए हैं। ये ऊपर वाली रोड नैनीताल अल्मोड़ा कौसानी कुमाऊं की तरफ जा रही है और सबसे ऊपर बन रहे हैं और ये है नीचे फूलों की घाटी बद्रीनाथ वाला रोड जो हमें हमारी लक्ष्य उर्गम तक ले जाएगा। तो कर्णप्रयाग टाउन पुल के इस तरफ हो गया, मतलब पिंडर नदी के ऊपर है कर्णप्रयाग टाउन। तो पिंडर और अलकनंदा का संगम स्थल है कर्णप्रयाग। ये देखिए अलकनंदा आ रही है, अभी मैं आपको पिंडर भी दिखाता हूँ। तो ये अलकनंदा आ रही है और ये जो पुल जा रहा है नागनाथ पोखरी की तरफ जा रहा है, वो एक और बेल्ट है चमोली डिस्ट्रिक्ट की, वो जगह छोटे टनल भी दिख रही होगी अब। और ये देखो बद्रीनाथ फूलों की घाटी और ये पोखरी जो लेफ्ट मैंने बताया थी। और ये अब हम कर्णप्रयाग के नीचे वाले बाजार में जो मेन हाईवे 5807 पर है, NH07 पर उस पे। और सुंदर शहर है कर्णप्रयाग भी, लोगों की रहने की व्यवस्था, सुलभ शौचालय इधर ही है पुलिस स्टेशन के सामने। यहाँ पर कर्णप्रयाग में स्वामी विवेकानंद जी ने 15 दिन तपस्या की थी, तो यहाँ पर एक विवेकानंद रॉक भी है। और ये पुल है आपका पिंडर के ऊपर, ये देखिए। तो पिंडर और इस तरफ पिंडर और ये ग्रीन वाली पिंडर है और उस तरफ से अलकनंदा आ रही है और दोनों का संगम हो रहा है। और ये है आपकी यहाँ पर विवेकानंद रॉक जहाँ पर वो टेम्पल है छोटा सा, एग्जैक्टली उसके बाहर है विवेकानंद रॉक। और वो नदी के पार सामने जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है आपको, जो रास्ता नीचे जा रहा है, वो है मेरा कॉलेज जहाँ से मैंने फर्स्ट ईयर किया। और ये इस तरफ से बागेश्वर से बहती हुई आ रही है पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर। और वो जो सेकंड ब्रिज आपको दिख रहा है वो बाजार को जाता है अंदर, तो ये है मेन बाजार। और ये रोड सामने जाएगी आपकी फूलों की घाटी और बद्रीनाथ की तरफ और उर्गम की तरफ। तो चलो हम अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, भाई ने यहीं तक ड्रॉप करना था मुझे, अब मैं यहाँ से बस ढूंढूंगा। तो भाई लोगों वो कॉलेज जा रहा था अपने ITI ना कर्णप्रयाग, वो भाई मेरे को लग रहा है लोगों को पता चल जाए कौन था, तो वो तो चला गया, उसने बाइक बहुत तेज चलाई, देखो बाल खड़े हो गए। और हमें ये मिल गई है छोटी शेयर्ड कैब बोलते हैं उसे, सुमो भी बोलते हैं, भले ही अब ये बोलेरो भी, ये तो बोलेरो है पर बोलते हैं उसे सुमो ही। इसमें ये चमोली तक ड्रॉप करेगा मुझे नेक्स्ट बिग स्टेशन तक, विच इज लाइक 37 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम है। और फिर हम चमोली से जोशीमठ वाली गाड़ी पकड़ेंगे। तो करीब यहाँ से किराया 100 रुपये के आसपास होगा या 100-130 भी हो सकता है। वैसे मोदी ने तेल के दाम कम किए हैं तो इन्हें भी किराया कम करना चाहिए, प्रोबेबली 100 ही होगा, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और 37 का 100, हाँ ठीक है। और उसके बाद मुझे इतना पता है कि चमोली से आगे जोशीमठ किराया 130 है, चाहे वो हिलंग उतरो कहीं मर्जी उतरो पूरा 130 मांगते हैं। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे, मैं शायद चमोली मिलूंगा या डायरेक्ट हिलंग मिलूंगा। सायोनारा लोगों, हम लोग चमोली पहुंच गए और यहाँ चमोली बाजार में एक बहुत ही बढ़िया ढाबा है, तो यहाँ पर बढ़िया खाना मिलता है। ये देखो कड़ी और चौसा मिक्स, साथ में सलाद भी। तो दिन में हम यही खाते हैं, सुबह जल्दी नाश्ता कर लिया था, दिन में फटाफट भात खा लेते हैं, थोड़ी देर में जोशीमठ की शेयर्ड गाड़ी पकड़ लेते हैं। सो फाइनली हमें एक टाटा सुमो मिल गई, जो एक्चुअली मैं तो गोपेश्वर स्टैंड की है पर हम इसे बुक करके ले जा रहे हैं जोशीमठ। तो 130 की बजाय हमें किराया पड़ रहा है लगभग 200 रुपये। और हमारे साथ एक आर्मी के कैप्टन साहब बैठे हैं, तो उनको वो ज़्यादा कमाते हैं तो उनसे हम ज़्यादा ले रहे हैं 500। ऐसे ही चलता है भाई देवभूमि में, बोलो जय श्री राम। तो जोशीमठ पहुँचता हूँ मैं, हेलंग नहीं उतरूंगा, जोशीमठ उतरूंगा सीधा और वहाँ से डायरेक्ट एक और कैब लेंगे फिर 100 रुपये की, जो हमें उर्गम ले जाएगी। ये देखो मालक बंदा पुलिस आ गया। तो ये ऑलमोस्ट हम हेलंग पहुंचने वाले हैं, ये नीचे अलकनंदा बह रही है, ऊपर उर्गम घाटी की सड़क पल्ला जोपला की माणा के लिए कटी हुई है। और ये हाईवे जाता है बद्रीनाथ जोशीमठ और वो सामने हमारी उर्गम घाटी आ गई, दो पहाड़ों के बीच में है लेफ्ट साइड को।
क्रॉस करेंगे और उस तरफ जाएंगे। तो जोशीमठ जाके फिर हिलंग उतरेंगे और यहीं से कोई गाड़ी पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये पहुंच गया मैं हिलंग के बैंड पे। यहाँ पर ये है होटल इंदर पैलेस, बड़ा सा महंगा सा होटल है, मैं कभी अंदर गया नहीं, रेट रूट मुझे पता नहीं, क्या पता आप अमीर हो आपको रिजनेबल इनफ लगे। और कुछ ढाबे हैं यहाँ पे छोटे से, कुछ दुकानें हैं यहाँ पे। तो ये रोड कटती है अंदर कल्पेश्वर महादेव पंचम केदार के लिए, और फिर आपको नदी क्रॉस करनी होती है मालकनंदा, और उस सामने से नदी आ रही है कल्पगंगा, उसके साथ साथ जो रोड जा रही है वो अंदर घाटी में आपको ले जाएगी लेफ्ट में घूम के। ये है उर्गम घाटी का नज़ारा। और इन्होंने गांव वालों ने कोई गेट गुट कुछ नहीं बना रखा। यूजुअली लोग क्या करते हैं, जिस मेन रोड से अगर उनकी घाटी को रोड जाता है तो वो बड़ा सा गेट बनवाते हैं। तो गांव वाले ऐसी हैं लचर, पानी नहीं दे रहे हमें एक साल से, तो गेट क्या बनाएंगे, इनके बस की कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है मुझे ही बनना पड़ेगा उर्गम का प्रधान, तभी होगा यहाँ का बलियार। जब तक गाड़ी नहीं आ रही मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसे कहते हैं प्लम पोलम शायद, और ये आड़ू, और ये एवोकाडो चूली, और ये टिमरू की लट्ठी है, इससे दांत साफ करते हैं, बड़े मस्त दांत साफ होते हैं भाई टिमरू से। और भी ये देखो आम सेब संतरा केला, बाकी चाय चू, ये सब दुकान यहीं पर ही है उर्गम वाले मोड़ पर, हेलंग से ठीक पहले, हेलंग चौकी के बाद अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हैं, और हेलंग ब्रिज से पहले लैंडमार्क है इंदर पैलेस होटल। ये देखिए लिखा हुआ है उर्गम कल्पेश्वर और बद्रीनाथ के सीधा, बद्रीनाथ लिखा है 57 और कल्पेश्वर लिखा है 22, तो अनशंट लिखा हुआ है इन्होंने। बद्रीनाथ मेरे हिसाब से यहाँ 50 होगा मुश्किल से, और कल्पेश्वर होगा मुश्किल से 15। लोगों फाइनली मुझे एक गाड़ी मिल गई है, फूल आ रही थी जोशीमठ से, तो मैं उसकी छत पर बैठ गया हूँ और उर्गम को जा रहा हूँ। ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊंगा वरना मैं गिर जाऊँगा, फोन भी गिर जाएगा, रोड बहुत ख़राब है देख, है ना। तो मैं चलता हूँ, वहीं मिलता हूँ उर्गम में, बैटरी भी कम है 3%। ये सामने से एक और बुलेरो आ गई, तो इस वाली गाड़ी को निकलने के लिए जगह ही नहीं है। तो ऐसी बारीक सड़क है अभी उर्गम की, और मैं आपको ऊपर आसमान दिखाता हूँ। ये देखो पूरा आसमान बादलों से पैक है, क्यों, क्योंकि हम ग्लेशियर के बिल्कुल जड़ पर रहते हैं, और अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं, और 2 बजे के बाद माउंटेन वेदर अपना असर दिखाता है और बादल आ जाते हैं। तो प्रोबेबली अभी यहाँ पर बादल लगे हुए हैं, फिर भी 18 डिग्री का टेम्परेचर होगा। ये देखिए जंगल के बीच की रोड, ये कितने सुंदर वृक्ष लगे हैं फिर के, जिन्हें हिंदी में रागा बोलते हैं हम लोग, और पुरास के पेड़ हैं, बांझ के पेड़ हैं, और भी मिश्रित वन है, क्योंकि अभी हम थोड़ा नीचाई पर हैं। और जैसे ही हम उर्गम पहुंचेंगे तो आपको सुराही और देवदार के, देवदार कम होता है यहाँ, सुराही ज्यादा होता है, देवदार इज देवदार इज कॉल्ड सिडार, द हिमालयन सिडार, और साइप्रस को हम बोलते हैं सुराही का पेड़, द हिमालयन साइप्रस। ये देखिए पल्ला जोखोला वाले अपनी अपने लिए ही वो बना रहे हैं बड़ा सा गेट, तो गेट के ऊपर वो माता या शंकर जी का नाम लिखेंगे और यहाँ से बताएंगे कि पल्ला जोखोला। तो वही मैं बता रहा था, नीचे जैसे उर्गम वालों ने कुछ नहीं बनाया, तो उनको बहुत जरूरत है अभी भी यहाँ डेवलपमेंट की। और ये पहली दुकान है लैरी थैना, और ये जो रोड ऊपर को जा रही है पल्ला जोखोला की माना जाती है, जो कि नॉर्थ फेस के पहाड़ के पीछे जो साउथ फेस है उस पे 2-3 गांव बसे हुए हैं, और आगे डुमक्कुल गोट को भी जुड़ेगी सड़क, भविष्य में गोपेश्वर से आदमी सीधा यहां से होता हुआ उर्गम पहुंच पाएगा। वो देखिए अगर दूर आप देखेंगे सामने पहाड़ी पे ग्लेशियर अभी भी जमे हुए हैं, तो मई का महीना ऑलमोस्ट जून का महीना होने वाला है और अभी भी ग्लेशियर टिके हुए हैं पहाड़ पे। तो ये है कुछ अलग सा मामला। हाँ तो मैं बता रहा था आप लोगों को 18 डिग्री का टेम्परेचर है अभी, और ये हम लयारी गांव में पहुंच चुके हैं, फर्स्ट विलेज इज लयारी ऑन दिस रोड, और फिर उर्गम बड़गिंडा आता है, एंड देन यू रीच देवग्राम आखिरी वाला, और देवग्राम के बाद एक लास्ट विलेज है राता, मतलब ये सारे रोड पर है। फिर ऊपर गीरा बासा है, गीरा बासा और अटकुला है, केलोक है जहाँ मैं रहता हूँ कैलाश लोग, और सामने है
सामने भी है आरुषि, भेटा, भरकी कुछ गांव, और बहुत ही सुंदर घाटी है। लश ग्रीन, नॉर्थ साइड पूरी लश ग्रीन है, साउथ साइड भी लश ग्रीन है, और एक बहुत ही बड़ा गांव है घाटी में और बहुत ही सुंदर। ये देखिए आते रहते हैं भगत लोग शिव जी के, और कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। यहाँ से गांव के पूरे दर्शन है, ये देखिए। फाइनली मैं उर्गम पहुंच गया हूँ। तो उर्गम पहुंचते ही मैंने क्या किया, नीचे राजेश भाई रहते हैं, राजेश भाई इज फ्रॉम मुंबई, ही इज अ सीमैन, उनका छोटा सा यहाँ पे ग्लास हाउस है, तो मैं ग्लास हाउस में आया। मीनवाइल मुझे दो फ्रेंड्स मिले, आपका नाम हिमांशु फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड myself अभिषेक फ्रॉम छत्तीसगढ़। अभिषेक ऑल्सो फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो दीज आर यंग बॉयज एंड दे वर कमिंग फ्रॉम मलाना, सो आई जस्ट इन्वाइटेड देम टू दिस प्लेस। तो मैंने कहा चलो यहाँ बैठते हैं, चिल करते हैं। अब बाकी आगे की कार्रवाई तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, पर मैं आपको थोड़ा सा स्पेस दिखा देता हूँ। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और ये देखो अगर आप विंडो से देखोगे तो पोस्ट कार्ड वाला व्यू है, बिल्कुल पोस्ट कार्ड व्यू। आज दूनागिरी नहीं दिख रहा है, सामने बादल लगे हुए हैं। और चलो ठीक है, मैं भाई लोगों के साथ चिल करता हूँ और उसके बाद मैं ऊपर को जाता हूँ 2 किलोमीटर।